डिज़ाइन टू क्रॉस वन बॉक्स। तो इसमें हम देखते हैं कि दो इनपुट्स हैं हमारे पास, आई नॉट और आई वन, एक सिलेक्शन लाइन है एस और एक आउटपुट है एफ। तो इसका ट्रुथ टेबल देखें कि एस एफ वन एस इज़ ज़ीरो तो एफ आपका है आई नॉट, एंड वन एस इज़ वन एफ आपका है आई वन। अच्छा, इसको आप यूँ भी देख सकते हैं कि आपका एक कंट्रोल सर्किट है और एक फ्लो सर्किट है या पावर सर्किट। तो इसमें कंट्रोल सर्किट आपका एस, यानी एस से आप कंट्रोल करेंगे कि आपने आउटपुट पे कौन सी इनपुट देनी है। अगर आपका एस ज़ीरो होगा तो आपकी इनपुट आई ज़ीरो आउटपुट पे जाएगी, और अगर आपका एस वन होगा तो इनपुट आई वन आपकी आउटपुट पे जाएगी। यानी ये आपका मल्टी इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम है, यानी बेसिकली ये मल्टी इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम है जिनमें से एक सिंगल इनपुट ने ही सिंगल आउटपुट को जाना है। अब वो सिलेक्शन कैसे होगी हमारी, एस से, यानी एस आपकी जो सिलेक्शन की पोर्ट है वो हमारी कंट्रोल पोर्ट है, और डेटा पोर्ट कौन सी है हमारी, आई नॉट और आई वन, ये हमारी डेटा पोर्ट है। यानी हमारे पास दो डेटा अवेलेबल है, आई नॉट और आई वन, और एक आउटपुट है एफ जो कि आगे हमने फर्दर सप्लाई करनी कंट्रोल को, कंट्रोल सिस्टम में। तो अब इसकी हम कंट्रोलिंग कैसे करेंगे, सिलेक्शन लाइन से, कि अगर हम एस को ज़ीरो कर देंगे तो आई नॉट डेटा हमारा आगे फ्लो करेगा, और अगर हम एस वन, एस को वन कर देंगे तो हमारा आई वन डेटा जो है आगे फ्लो करेगा। तो इसकी इक्वेशन हम ज़रा ट्रुथ टेबल से लिखते हैं। ट्रुथ टेबल के मुताबिक इक्वेशन बन जाएगी आपकी, एफ इज इक्वल टू एस बार इंटू आई नॉट प्लस एस इंटू आई वन। यानी अगर आपका एस ज़ीरो होगा तो आपका ये वाली टर्म ट्रू हो जाएगी, ये फ्लो हो जाएगी आउटपुट पे, ये आ जाएगी, और अगर आपका एस वन होगा तो आपकी ये वाली टर्म आउटपुट पर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सर्किट को कैसे लिखेंगे, एस नॉट गेट फिर एस बार, तो उसके बाद एस बार आई नॉट का एंड गेट, और दूसरा एस वन आई वन का एंड गेट, इन दोनों का आगे और गेट। अच्छा, फोर क्रॉस वन बॉक्स में क्या हो गया कि आपके पास टू रेस टू बार टू, यानी फोर इनपुट्स होंगी, टू सिलेक्शन लाइंस होंगी और एक आउटपुट होगी। उसका ट्रुथ टेबल देखते हैं, जीरो जीरो आई नॉट, जीरो वन आई वन, वन जीरो आई टू और वन वन आई थ्री। तो इसमें हम देखें एफ इज इक्वल टू एस वन बार एस नॉट बार इंटू आई नॉट प्लस एस वन बार एस नॉट आई वन प्लस एस वन एस नॉट बार आई टू प्लस एस वन एस नॉट आई थ्री। तो इस तरह से हमारे पास अगर चार इनपुट्स हैं उनमें से हमने अब सिलेक्ट करना है कि किस इनपुट को हमने आउटपुट पे भेजना है, कौन सा डेटा हमने आउटपुट पोर्ट पे देना है। तो वो सिलेक्शन हम करेंगे हमारी जो है सिलेक्शन जो लाइंस हैं एस नॉट एस वन उसके थ्रू हम इसको डिसाइड करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इज इसकी सर्किट डायग्राम कैसे बनेगी। इसकी सर्किट डायग्राम आपके जो है वो चार एंड गेट्स हैं और आगे एक और गेट इसमें यूज़ हो रहा है। तो दिस इज़ योर सर्किट डायग्राम। अच्छा, ये ज़रा थोड़ी सी सिंप्लीफाइड है, अगर इसको आपने कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आप ये कर सकते हैं कि एस वन के साथ एस वन बार और एस नॉट के साथ एस नॉट बार। अब आप क्या करेंगे, यहीं से सिग्नल सप्लाई करें, जैसे एस वन बार को सिग्नल आप यहाँ से देंगे और एस नॉट बार को सिग्नल यहाँ से देंगे, फिर नीचे एस वन बार है इसको भी सिग्नल आप इधर से देंगे और एस नॉट को सिग्नल आप इसकी बैक साइड से देंगे। ठीक है, इसी तरीके से एस वन का सिग्नल आप जो है वो यहाँ बैक साइड से देंगे और एस नॉट बार का सिग्नल आप यहाँ से आगे से दे देंगे। ठीक है, इस तरह से ये सर्किट जब वायर्स बहुत ज़्यादा हो जाएं तो कॉम्प्लेक्स लगना शुरू हो जाता है, लेकिन सर्किट एक्चुअली होता सिंपल है, वो लग कॉम्प्लेक्स रहा होता है। तो ये इसको ज़रा आसान तरीके से इन सिंपल फॉर्म एक्सप्लेन कर दिया गया यहाँ पर। अच्छा, अब डिज़ाइन फोर क्रॉस वन मक्स यूजिंग थ्री टू क्रॉस वन मक्स। अब आपने एक फोर क्रॉस वन का मक्स बनाना है और आपके पास अवेलेबल क्या है, तीन आपके पास टू क्रॉस वन के मक्स अवेलेबल हैं। अब फोर क्रॉस वन का मक्स बनाना है तो उसका मतलब है कि आपकी डेटा लाइन कितनी होगी, चार, चार आपकी डेटा लाइन होंगी। तो पहले दो मक्स लगेंगे जिनके जिनकी जो डेटा लाइन D0 D1 D2 D3 हो जाएगी। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट मक्स लगेगा वो इनके आउटपुट्स के साथ लगेगा, यानी पहले मक्स के आउटपुट पर I0 के साथ और दूसरे मक्स के आउटपुट I1 के साथ। और अब जो कंट्रोल बिट्स होनेंगी आपकी, कंट्रोल सिलेक्शन लाइंस, वो एस नॉट और एस वन, यानी इन दोनों की एस नॉट, इन दोनों की एस नॉट है और ये दोनों कॉमन है, मतलब इनको कॉमन जो है जोड़ भी सकते हैं या इस तरह भी शो कर सकते हैं, तो एस नॉट और एस वन। अच्छा, आप इसका ज़रा ट्रुथ टेबल देखें, जब एस वन ज़ीरो हो एस नॉट ज़ीरो हो, यानी ज़ीरो ज़ीरो, तो उस सूरत में क्या होगा कि ज़ीरो ज़ीरो, पहले इस पर हम देखते हैं, जब अगर ये ज़ीरो हो गया तो उसका मतलब है इसकी आई नॉट ऑपरेट होगी। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों का अगर ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब है इनकी भी आई नॉट ऑपरेट होगी। तो लेकिन कौन सी आई नॉट आगे एफ तक जाएगी, एफ तक डी नॉट जाएगी, क्योंकि आपका एस नॉट ज़ीरो है तो इसमें डी नॉट एफ पर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और यहाँ से आपका डी टू एफ पर आ जाएगा यहाँ पे।
लेकिन यहाँ भी ज़ीरो है, जिसकी वजह से ये वाली पोर्ट सिर्फ कंडक्ट करेगी, तो ये वाला जो डी नॉट है ये आगे कंडक्ट कर जाएगा, यानी आगे चला, ये डेटा आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से जब आपका एस नॉट एस वन ज़ीरो एस नॉट ज़ीरो होगा, तो आपका एफ डी नॉट के बराबर होगा। एस वन ज़ीरो एस नॉट वन एफ इज इक्वल टू डी वन, एस एस वन वन एस नॉट ज़ीरो एफ इज इक्वल टू डी टू, और वेन ऑल वन यानी एस वन वन एस नॉट वन, तो उस केस में क्या होगा, यानी एस नॉट वन, तो उसका मतलब है कि ये और ये कंडक्ट करेंगे आई वन, और एस वन वन है तो यहाँ भी आई वन कंडक्ट करेगा, तो ये तो नहीं आगे जाएगा क्योंकि कंडक्ट ये कर रहा है, तो यहाँ से डी थ्री आगे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो तीन 2 बाई 1 मक्स को इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा ग्रेटर टू 4 बाई 1 का मक्स बना सकते हैं। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन आता है कि डिज़ाइन 8 बाई 1 मक्स यूजिंग 2 4 क्रॉस 1 मक्स एंड 1 2 क्रॉस 1 मक्स। अब इसमें जो दो बड़े मक्स हैं 4 क्रॉस 1 के, वो आपके पहले आ जाएंगे फर्स्ट स्टेज के ऊपर, सेकंड स्टेज के ऊपर आपका जो छोटा मक्स है वो आ जाएगा, जो इनमें फर्दर सिलेक्शन करेगा। तो ऊपर वाला मक्स आपका जो है वो D0 D1 D2 D3 बन गया, और ये आपका D4 D5 D6 D7 बन गया। ठीक है, और ये आपकी सिलेक्शन पोर्ट आपके S0 S1 और S2। ठीक है, तो शुरू में जो होंगी कॉम्बिनेशंस आपकी, यानी 8 कॉम्बिनेशंस में से जो शुरू की 4 कॉम्बिनेशंस होंगी उसमें ये वाला मक्स ऊपर वाला मक्स कंडक्ट करेगा, और जो लास्ट 4 कॉम्बिनेशंस होंगे उसमें नीचे वाला मक्स कंडक्ट करेगा। तो ये इसका ट्रू टेबल है, S10 S20 S00, तो इसमें F इज इक्वल टू डी नॉट। इसी तरीके से जो है ये S20 S10 S01, तो F इज इक्वल टू D1। इस तरह से ये पूरे का पूरा ट्रू टेबल एक 8 बाई 8 8 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर का बन जाता है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बुलियन फंक्शन यूजिंग मक्स। अब मक्स को यूज़ करते हुए अभी तक हमने जो है बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं बुलियन फंक्शंस के इम्प्लीमेंट करने के। 7 मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, SOP फॉर्म, POS फॉर्म, के मैप विद SOP, के मैप विद POS, फिर नैंड गेट, नॉर गेट, और अब फिर हमने डिकोडर से भी देखा कि डिकोडर के आगे हम और गेट्स लगा के मुख्तलिफ मिन टर्म्स को सम करके एक फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये है हमारा मक्स के साथ, यानी हम मक्स को यूज़ करके भी जो है अपना बुलियन फंक्शन कोई भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें हम देखें कि एक फंक्शन है जिसका हमें ट्रुथ टेबल गिवन है, 3 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। तो इसकी आउटपुट देखें, 1 कब कब का है, 1 आपकी मिन टर्म 3 पे 1 है, 4 पे 1 है, 5 पे 1 है और 6 पे 1 है, यानी इन मिन टर्म्स के ऊपर आपका फंक्शन 1 है। तो आप क्या करेंगे, एक मल्टीप्लेक्सर की ये वाली जो मिन टर्म्स हैं इसके आगे आपने जो है इसको फर्दर और गेट यूज़ करके इसको इम्प्लीमेंट कर, अब देखते हैं इसको हमने कैसे करना है। अच्छा, इम्प्लीमेंट यूजिंग 8 क्रॉस 1 मक्स। ठीक है, S0 S1 S2। ठीक है, ये आपकी सिलेक्शन लाइन होंगी और ये आपकी जो है वो डेटा लाइन्स है। अब डेटा लाइन पे आप क्या करो कि I0 0, I1 0, I2 0 और I3 1 1 1 1 और देन 0, और इस तरह से आप जो है इस फंक्शन आपका जो फंक्शन होगा वो 1 कब होगा, 1 आपका इस ट्रुथ टेबल के मुताबिक आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये आपकी कौन सी लाइंस हैं, ये आपकी सिलेक्शन लाइंस हैं। ठीक है, ये जो ABC हैं ये अब आपकी सिलेक्शन लाइंस हैं, और F पे जो आउटपुट आ रही है 1, ये आपने एज अ डेटा जो है डेटा 1 के तौर पे इसको दी हुई है मक्स को। ठीक है, ये डेटा 1, ये डेटा बिट आपने दी हुई है 1 1 1, और ये आपकी जो है ABC सिलेक्शन पोर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम 8 क्रॉस 1 का मक्स यूज़ की पार्टीशंस करें। ठीक है, अब इसकी 2 2 की पार्टीशंस करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो इसमें ए और बी बिट्स हैं हर पार्टीशन में कॉमन है, जैसे पहली पार्टीशन में ए और बी बिट्स कॉमन है, सेकंड पार्टीशन में भी ए बी कॉमन है, इस पार्टीशन में भी ए बी कॉमन है, और इससे नेक्स्ट पार्टीशन में भी ए बी कॉमन है। अब आपकी आउटपुट जो होगी वो आप अब देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। इस पार्टीशन में आपकी एफ क्या है, 0, इसके अंदर नेक्स्ट पार्टीशन में आपकी एफ सी है, इससे नेक्स्ट पार्टीशन में आपकी एफ वन है, और इससे नेक्स्ट में आपकी एफ क्या है, सी बार, यानी ये जो सी बिट बिट है आपकी सी बार। तो इस फंक्शन को अगर हम इम्प्लीमेंट करें यूजिंग 4 बाई 1 मक्स, इससे पहले हमने इम्प्लीमेंट किया था यूजिंग 8 क्रॉस 1 मक्स, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसकी इम्प्लीमेंटेशन थी। अब इसके अंदर हम इसी फंक्शन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे 4 बाई 1 मक्स। तो 4 बाई 1 से हम कैसे करेंगे कि हमारे पास 4 जो है वो इसमें दो बेसिकली सिलेक्शन लाइंस होंगी, दो सिलेक्शन लाइन होंगी, और हमारे पास 4 इनपुट बिट्स होंगी, इन इनपुट इनपुट डेटा 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 होगा इनपुट डेटा 4 बिट्स का, और एक आउटपुट होगी। अभी देखें तो इसमें हम देख रहे हैं कि 4 प्लस 1 मक्स के अंदर I0 आपका 0 है, I1 आपका C है,
आई टू आपका वन है और आई थ्री आपका सी बार है, ठीक है। ये आपने ये जो थर्ड कॉलम था उसको आपने इनपुट के तौर पे यूज़ कर लिया, और ए और बी जो आपकी पोर्ट्स थी उनको आपने एज अ सिलेक्शन पोर्ट यूज़ कर लिया, और इस तरह से आपकी आउटपुट आ गई एफ। तो वी हैड सीन सेवन डिफरेंट वेज टू इम्प्लीमेंट द बुलियन फंक्शन टिल नाउ। अबव मैथड इज एट्थ वे टू इम्प्लीमेंट बुलियन फंक्शन और ट्रुथ टेबल इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बुलियन फंक्शन यूजिंग मक्सिस। अच्छा, अब इम्प्लीमेंट ड्रॉ सर्किट डिज़ाइन प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें हमने एक क्वेश्चन किया था इससे पहले जिसमें हम नंबर ऑफ वंस को काउंट करते थे, यानी ऐसा सर्किट जो हमें बताएगा कि इनपुट पे कितने नंबर ऑफ वंस हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ वंस को। अब जैसे इसमें नंबर ऑफ वन जीरो है तो इसके आउटपुट क्या होगी, जीरो जीरो। इसमें नंबर ऑफ वन एक है तो इसका आउटपुट 01, नेक्स्ट इज़ वन, देन 01, और इसके अंदर दो आपके वंस हैं तो आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी, 10। इसी तरीके से ये नंबर ऑफ वंस को काउंट करेगा। तो इस तरह आप जो हैं इसको हम अब इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे, इसके आप जो है वो इसकी पार्टीशनिंग करें, ठीक है। पार्टीशनिंग करें, पार्टीशनिंग के बाद आप एक्स वन का फंक्शन बनाएं और एक्स नॉट का फंक्शन बनाएं। तो एक्स वन का हम देख रहे हैं कि एक्स वन पहली पार्टीशन में क्या है, ज़ीरो, सेकंड में है वो सी, थर्ड में है अगेन सी, यानी इट इज़ इक्वल टू योर सी सी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में एफ क्या है आपका, वन, यानी इट इज़ वन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक्स नॉट क्या बनाए, एफ, एफ इज़ इक्वल टू सी, एफ इज़ इक्वल टू सी बार और सी, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम एक्स वन और एक्स नॉट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये कौन सा मक्स होगा, ये हमारा जो है ये हमारा मक्स होगा 4x1 का मक्स। तो इसको हम 4x1 के मक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे जिसमें हमने सी को एज एन इनपुट, आउटपुट्स ऑफ द एंड गेट्स आर अप्लाइड टू अ सिंगल और गेट। अच्छा, मल्टीप्लेक्सर सर्किट्स कैन बी कम्बाइंड विद कॉमन सिलेक्शन इनपुट्स टू प्रोवाइड मल्टीपल बिट सिलेक्शन। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है क्वाड्रुपल। अभी तक हमने जो मल्टीप्लेक्सर पढ़े हैं वो एक वक्त में एक बिट को आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा हैं, यानी अगर आपने एक वक्त में 4 बिट आगे ट्रांसफ़र करनी है, मल्टीप्लेक्स को आगे जो है ट्रांसफ़र करना, यानी निबल, 4 बिट्स को हम निबल भी बोलते हैं। तो अब इसमें जो इसका डोंट केयर, ऑल आउटपुट 0, यानी अगर आपका इनेबल 1 है तो आपका जो है सर्किट काम नहीं करेगा। और ये हमने देखा कि इनेबल को नॉर्मली एक्टिव लो के ऊपर हम चलाते हैं, यानी बबल के ऊपर। तो अगर ई 0 है तो अब आपका सर्किट काम करेगा, यानी ई 0 है और एस 0 है तो सिलेक्ट ए डेटा, और अगर ई 0 है सिलेक्शन 1 है तो सिलेक्ट बी डेटा, यानी मल्टीप्लेक्सर वाला काम हो रहा है। लेकिन अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब एक बिट की जगह 4 4 बिट्स जो हैं साइमल्टेनियसली आगे ट्रांसफ़र होंगी। तो ये सर्किट बिल्कुल इसी तरह का सर्किट है, बस इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें नंबर ऑफ़ इनपुट्स ज़्यादा हो गई हैं और नंबर ऑफ़ आउटपुट्स भी जो हैं इसमें ज़्यादा हो गई। इसको इम्प्लीमेंट हम करेंगे 8x1 के मक्स के साथ। तो 8x1 के मक्स के साथ अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो हमने दो दो की पार्टीशंस कर लेनी है, ठीक है। दो दो की पार्टीशंस करने के बाद जो आपकी पहली तीन होंगी ए बी सी, ये आपकी कॉमन हो जाएंगी, ठीक है। ये आपकी सिलेक्शन लाइन बन जाएगी, और डी वाली आपकी जो है आपकी आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। एफ यानी डी के बराबर है इस केस में, यहाँ भी एफ इज इक्वल टू डी है, यहाँ पे एफ इज इक्वल टू डी बार है, यहाँ पे एफ इज इक्वल टू 0 है, देन अगेन एफ 0 है, एफ डी है, एफ 1 है, और क्या। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं आई आई वन आई 0 आई 1 आई आई 2, आई 2 पे है डी बार, यानी आपका डी का बार यहाँ लगाना है, डी बार। और 3 पे हम देखते हैं 3 पे क्या है, 3 पे 0 है, ठीक है। 4 पे भी 0 है, और 5 पे क्या है, 5 पे डी है, तो 5 को आपने डी से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, और 6 पे क्या है, 6 पे 1 है, और 7 पे भी आपका 1 है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने एक बड़े फंक्शन को, हमने एक फंक्शन को, बूलियन फंक्शन को 8x1 मक्स के साथ इम्प्लीमेंट किया है इस एग्जांपल के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट इज़ योर डी मल्टीप्लेक्सर। तो डी मल्टीप्लेक्सर इज़ अ सर्किट दैट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल लाइन एंड डायरेक्ट्स इट टू वन ऑफ द टू रिस्पर एंड पॉसिबल आउटपुट लाइन। यानी ये बिल्कुल इन्वर्स है, आपके मल्टीप्लेक्सर का इन्वर्स है। तो अ डिकोडर विद इनेबल इनपुट कैन फंक्शन एज अ डी मल्टीप्लेक्सर जस्ट लाइक अ डिकोडर, ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक आउटपुट इज़ कंट्रोल्ड बाय द बिट कॉम्बिनेशन ऑफ एन सिलेक्शन लाइन्स। अब जैसे ये देखें, ये एग्जाम्पल है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा 1x8 डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। अब जिसमें इनपुट पोर्ट क्या है, एक वन इनपुट है इसके अंदर ए, और आउटपुट्स इसके अंदर कितनी हैं, आउटपुट्स इसके अंदर जो है वो आपकी ए, यानी 1x8 का डी मल्टीप्लेक्सर है ना। अब इसकी आउटपुट 8 है और इनपुट 1 है, और इसके सिलेक्शन लाइंस कितनी होंगी, 2 रेस्ट पर 3, यानी 3 इसकी सिलेक्शन लाइन होंगी, ठीक
है। अच्छा, अब अगर 0 0 0 सेलेक्ट करेंगे तो आपकी जो डेटा ए जाएगा वो एफ पोर्ट पे जाएगा, ठीक है। योर एफ नॉट विल बी ए, यानी ये बिल्कुल डिकोडर की तरह काम कर रहा है। और एफ जब आपका 0 0 1 होगा तो आपका एफ 1 विल बी ए, इसी तरीके से एफ 2 विल बी ए, एफ 3 विल बी ए, डिपेंडिंग अपॉन योर सिलेक्शन पोर्ट। सो ये है डी मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में क्या था कि मल्टी इनपुट्स थी और एक आउटपुट थी, और डी मल्टीप्लेक्सर में क्या कि एक इनपुट है और मल्टी आपके पास आउटपुट्स हैं। इसके इक्वेशन अगर हम बनाएं, एक इसको हम डी मल्टीप्लेक्सर को अगर इम्प्लीमेंट करें नैंड गेट के साथ, दैट द फॉलोइंग डिकोडर कैन एक्ट एज अ डी मल्टीप्लेक्सर व्हेन ए इज़ टेकन एज डेटा इनपुट लाइन एंड ए एंड बी आर टेकन एज सिलेक्शन इनपुट्स, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपकी डेटा बिट है वो ई है, यानी इसके अंदर ई आपका डेटा है। तो इसका ट्रूथ टेबल हम देखते हैं कि जब व्हेन ए इज़ 1, ए डोंट केयर, आउटपुट आपकी सारी की सारी 1 हो जाएंगी। अब ये सारी 1 क्यों आ रही है, क्योंकि आपने इसको नैंड गेट के साथ इंप्लीमेंट किया है, इस वजह से इसमें जो है आपको इन्वर्टेड आउटपुट मिलेगी। अच्छा, जब आपकी ई 0 है, ए 0 है, बी 0 है, तो आपके डी 0 पे ई आएगा, यानी आपका डेटा ई डी 0 पर आएगा। आप यहाँ पर देखें, जब ए 0 बी 0 है तो ये आपका यहाँ पे 1 1 आ जाता है, और जो ई है ई का इन्वर्टेड यानी ई बार आपका इसकी इनपुट तीसरे इनपुट पर आ जाएगा। तो आपका डी नॉट क्या हो जाएगा, आपका डी नॉट हो जाएगा ई बार का हो अगेन बार, यानी ई बार का बार, यानी ई प्राइम का होल प्राइम, तो दैट विल बी योर ई। इसी तरीके से आपकी फर्दर इनपुट्स हैं 0 0 1, 0 1, 0 0 1 1, तो उसके अगेंस्ट आपको जो है इसमें, चूंकि ये इसको आपने नैंड गेट के साथ इंप्लीमेंट किया है, इसलिए आपके आउटपुट पे 1 मिल रहा है 0 की बजाय। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स देखते हैं, बाइनरी सबट्रैक्टर के। आपने एक हमने बाइनरी एडर पढ़ा हुआ है, अब हम सबट्रैक्टर देखेंगे। द सबट्रैक्शन ऑफ अनसाइंड बाइनरी नंबर्स कैन बी डन मोस्ट कन्वीनियंटली बाई मीन्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। द सबट्रैक्शन ए माइनस बी कैन बी डन बाई टेकिंग द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी एंड एडिंग इट टू ए। क्या ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस माइनस बी। द टूज कॉम्प्लीमेंट कैन बी ऑब्टेन बाई टेकिंग दी वंस कॉम्प्लीमेंट एंड एडिंग वन टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट पेयर ऑफ बिट्स। ऐसे होता है ना कि हम टूज कॉम्प्लीमेंट में पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और फिर एक ऐड कर देते हैं। द वंस कॉम्प्लीमेंट कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द इन्वर्टर्स और एक्सक्लूसिव ऑर गेट एंड वन कैन बी एडेड टू द सम थ्रू द इनपुट कैरी, ठीक है। यानी हम जो है एक्सक्लूसिव ऑर गेट यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके सर्किट में आपको दिखा देता हूँ, यानी ये हमारा सर्किट होगा जिसमें हम क्या करेंगे कि ए माइनस बी हमने करना है, तो बी का हम क्या करेंगे, बी को हम इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो आपका ये टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, हमें पता है कि टूज वंस कॉम्प्लीमेंट, पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे फिर इसमें एक 1 ऐड करेंगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक्सक्लूसिव ऑर लेंगे 1 के साथ। ये हमें पता है कि हम एक्सक्लूसिव और किसी भी बिट का अगर 1 के साथ लें तो उसकी आउटपुट उसकी इन्वर्टेड बिट आती है। जैसे अगर ये 1 हो तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0, और अगर ये 0 हो तो 0 प्लस 1 यानी जोर 1 क्या हो जाएगा, 1, यानी ये बिट आपकी रिवर्ट हो जाएगी, यानी उलट जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये वाला जो एक्सक्लूसिव और जो गेट है ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेगा। अब इसमें एक ऐड करना है जिससे इसका टूज कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो आप कैरी जो है कैरी को 1 कर देंगे। तो यहाँ से आपका जो है टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ए माइनस बी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस सर्किट के साथ। दिस इज़ नोन एज योर 4-बिट बाइनरी सबट्रैक्टर। अच्छा, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो क्या होता है कि जब आपके पास नंबर्स की कैपेसिटी है 8, 8 बिट्स की कैपेसिटी है, और अगर आपका जो रिजल्टेंट नंबर है उसको 9 बिट्स वो चला जाए, यानी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 9 बिट्स की ज़रूरत पड़ जाए, तो इसको हम कहेंगे ओवरफ्लो। व्हेन टू नंबर्स व्हेन एन डिजिट्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड एंड द रिजल्ट इज अ नंबर ऑक्यूपाइंग 9 प्लस 1 डिजिट्स, वी सी दैट एन ओवरफ्लो अकर्ड। डिटेक्शन ऑफ ओवरफ्लो इज डिफरेंट फॉर साइंड एंड अनसाइंड नंबर्स। अच्छा, अनसाइंड और साइंड का फ़र्क हमें पता है कि अनसाइंड जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और साइंड वाले पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं। तो अनसाइंड नंबर्स में ओवरफ्लो कब अकर होता है, जब आपके पास एक कैरी आ जाता है तो उसमें ओवरफ्लो हो जाता है। और साइंड नंबर्स में ओवरफ्लो कैसे होता है ये भी हम देखते हैं कि इसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। अच्छा, इफ़ देर इज़ एन एंड कैरी आउट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देर विल बी एन ओवरफ्लो इन दी अनसाइंड नंबर्स। और साइंड नंबर्स में ओवरफ्लो कैसे होगा कि अगर आप 2 पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करें और आंसर आपका नेगेटिव आ जाए, यानी 8 बिट के अंदर सिर्फ आपने देखना है, यानी 8 बिट के अंदर अगर वो उसकी एमएसपी में अगर 0 था पहले और बाद में 1 आ गया तो उसको हम कहेंगे ओवरफ्लो। एक्चुअली वो 1 इस वजह से आया कि वो साइन बिट की जगह डेटा के बिट ने कवर कर ली है, ठीक है, और उसकी साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 9th बिट की ज़रूरत पड़ गई है।
दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि ओवरफ्लो आ गया, इफ़ टू नेगेटिव नंबर्स आर एडेड एंड रिजल्ट इज़ पॉजिटिव। ये हम देखते हैं, जैसे आपके दो नंबर्स हैं यहाँ पे +70 और +80, साइंड साइंड नंबर्स, तो इसमें आप देखें कि आपका जो एम एस पी है वो दोनों की 0-0 होगी, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। बाकी 7 बिट्स आपके इसके डेटा को शो करेंगे, बिट पैटर्न को। इनको अगर आप ऐड करें तो आपका आंसर आ जाता है 1001010, ये इनका आंसर आ जाएगा, 0+0011+0110+0011+0001+1 क्या हो जाएगा, 01, और 1+0+01। यानी अब ये 8 बिट के अंदर अगर आप देखें कि अब आपकी एम एस पी 1 हो गई है, ठीक है, इसका मतलब है ओवरफ्लो हो गया, क्योंकि आपको एक जीरो आगे और चाहिए। बेसिकली ये डेटा बिट था जो कि साइन बिट की जगह इसने कवर कर ली है। इसी तरीके से 70 -70 -80, इनको अगर हम ऐडअप करें तो -150 आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर हम ऐड करें तो हमारा एम एस पी में 0 आ जाता है, यानी इसकी एम एस पी में 1-1 है, लेकिन इनको ऐडअप करें तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाता है, 0। तो इसका मतलब है ओवरफ्लो हो गया, ठीक है, 1 आगे कैरी हुआ है। तो अब इसको हमने डिटेक्ट करना है कि हमने दो नंबर्स के ओवरफ्लो को डिटेक्ट करना है, वो हम कैसे करेंगे, वो हम सर्किट अभी बनाते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल है, वन टू 8 बिट अनसाइंड नंबर्स A144112, ठीक है, आर एडेड। ये 8 8 बिट से रिप्रेजेंट हो सकते हैं। अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो आंसर आपको आ जाएगा 256। तो 256 8 बिट से रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, ये 9 बिट्स से रिप्रेजेंट हो, तो इसको हम ओवरफ्लो कहेंगे, यानी इसमें कैरी आ गया, ठीक है। और वन टू 8 बिट साइंड नंबर्स +70 +80 आर एडेड, द रिजल्ट इज़ 150 विच विल नॉट फिट इन 8 बिट रजिस्टर, सो देर विल बी एन ओवरफ्लो। वेन टू 8 बिट साइन नंबर्स आर एडेड सब्ट्रैक्टेड -70 +80, अगर इनको आप सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर अगेन -150 आ जाएगा, विच विल ऑल्सो नॉट फिट सब्ट्रैक्टेड, यानी इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, ठीक है, देर विल बी एन ओवरफ्लो। एन ओवरफ्लो कंडीशन इन साइन नंबर्स कैन बी डिटेक्टेड बाई ऑब्जर्विंग द कैरी इन टू द साइन बिट पोजिशन एंड कैरी आउट ऑफ द साइन बिट पोजिशन इफ दीज टू कैरीज आर नॉट इक्वल एंड ओवरफ्लो हैज़ अकर्ड। अब इसमें हम इसका सर्किट देखते हैं कैसा होगा ये ओवरफ्लो को डिटेक्ट करने के लिए। अब इसमें आपने आपने अगर दो आपके, अगेन ये वही सब्ट्रैक्टर वाला सर्किट है, क्यों इसके, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल सर्किट है। अगर आप एम को 1 कर देंगे तो ये सब्ट्रैक्टर बन जाएगा, अगर आप एम को 0 कर देंगे तो ये आपका एडर बन जाएगा, ठीक है। अब आपने आगे कैरी लगाया होगा, अगर अगर अनसाइंड नंबर्स हैं तो ये वाला जो कैरी है ये सी, ये बता देगा आपको कि C1 होगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा। लेकिन अगर आपका साइंड नंबर है तो उसमें आप क्या करेंगे कि C4 और C3 इन दोनों का एक्सक्लूसिव और गेट लेंगे, और V आउटपुट, यानी अगर V1 हो जाएगी तो इसका मतलब है कि ओवरफ्लो हो गया है। ये कैसे हम चेक करेंगे, या हम पिछले एग्जाम्पल पर दोबारा जाते हैं। अब इस एग्जाम्पल को ज़रा दोबारा देखें, इसमें ये वाला फाइनल कैरी था C4, और ये C4 यानी इस कैरी को और इससे पिछले वाली कैरी को, इन दो को आपको एक्सक्लूसिव और करना पड़ेगा। अगर इन दोनों का एक्सक्लूसिव और जो है अगर आपका 1 हो गया तो इसका मतलब है ओवरफ्लो आ गया। जैसे इस एग्जांपल के अंदर, इन दो एग्जांपल्स के अंदर आपका एक्सक्लूसिव और 1 आ जाएगा। तो ये इसकी ओवरफ्लो डिटेक्शन का एक सर्किट था। इफ एम इज़ 1 द सर्किट विल एक्ट एज सब्ट्रैक्टर, इफ एम इज़ 0 द सर्किट विल एक्ट एज एडर। इफ सी एंड वी आर यूज फॉर डिटेक्टिंग द ओवरफ्लो, फॉर अनसाइंड नंबर्स इफ सी इज़ 1 इट इंडिकेट्स एन ओवरफ्लो, फॉर साइंड नंबर्स इफ वी इज़ 1 इट इंडिकेट्स एन ओवरफ्लो। तो ये आपका एक यूनिवर्सल सर्किट हो जाएगा जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इस सर्किट को हम जो है एज अ सब्ट्रैक्टर, एज एन एडर, फिर साइंड नंबर्स और अनसाइंड नंबर्स दोनों के ओवरफ्लो के डिटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और सर्किट है बी सी डी एडर। बी सी डी हमने पढ़ा है कि बाइनरी कोडेड नंबर्स, हम पहले बाइनरी कोडेड डेसिमल्स ही हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हम बाइनरी कोडेड फॉर्म में अपने डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पता है कि इनमें इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 9 तक होती है, ठीक है, 1001 तक। तो इसमें अगर इस इन, अगर आप दो अगर इसकी वैल्यू 9 से बढ़ जाए, ठीक है, बी सी डी में अगर 9 से बढ़ जाए तो आप 6 इसमें ऐड करते हैं। सो कंसिडर द अरिथमेटिक एडिशन ऑफ टू डेसिमल डिजिट्स इन बी सी डी टूगेदर विद एन इनपुट कैरी फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज। अच्छा, अब इसमें मैक्सिमम सम कहाँ तक जा सकता है, ठीक है, 9 प्लस 9 प्लस इनपुट कैरी को भी अगर आप कंसिडर करने की आपको बैक एंड से कैरी आया हुआ है, तो अब आपका टोटल सम कितना हो जाएगा, 19, 9 प्लस 9 प्लस 1 19, यानी 19 तक आपका मैक्सिमम सम बी सी डी में जा सकता है।
तो उसको हम अभी ट्रूथ टेबल उसका बनाएंगे। व्हेन दी बाइनरी सम इज इक्वल टू और लेस देन 1001 द कोरस्पॉन्डिंग बीसीडी नंबर इज आइडेंटिकल एंड नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड। यानी अगर आपका बाइनरी सम जो है अगर 1001 से कम है तो यू डो नॉट नीड एनी करेक्शन, यानी 9 से कम है। अगर वो सम 9 से ज़्यादा है तो आपको करेक्शन चाहिए होगी, आपको उसके अंदर 6 ऐड करने पड़ेंगे। व्हेन द बाइनरी सम इज ग्रेटर देन 1001 वी ऑब्टेन एन इनवैलिड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। द एडिशन ऑफ बाइनरी 6 टू द बाइनरी सम कन्वर्ट्स इट इनटू द करेक्ट बाइनरी बीसीडी रिप्रेजेंटेशन एंड आल्सो प्रोड्यूसेस एन आउटपुट कैरी एज रिक्वायर्ड। अच्छा, अब इसका हम जरा इसका हम ट्रुथ टेबल देखते हैं कि ये हमारी बाइनरी एडिशन है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे हमारी बीसीडी एडिशन है, और ये आगे इसके फर्दर राइट पे डेसिमल उसके नंबर आ रहे हैं। तो इसमें हम जीरो पे देखें कि जीरो पे भी जो बाइनरी एडिशन होगी वही आपकी बीसीडी एडिशन होगी, वन पे भी वही होगी, टू पे भी वही होगी, और नाइन तक जो है ये दोनों सर्किट सेम है। अब जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आएगा आपका 10 के ऊपर, यानी अगर आपका बीसीडी आपका बाइनरी जो है सम अगर वो 10 हो जाता है तो बीसीडी में क्या होगा कि आपको उसके अंदर 6 ऐड करना होगा। तो 10 प्लस 6 इज 16, तो बीसीडी के अंदर 16 आ जाएगा, 1000, यानी आपका कैरी हो जाएगा, यानी बीसीडी के अंदर आपका कैरी 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका अगर सम आ जाए 11 तो 11 में 6 ऐड करना पड़ेगा आपको, यानी 17 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 12 आ जाएगा तो वो आपका 18 बन जाएगा, 13 हो जाएगा तो वो आपका 19 आ जाएगा, तो 19 के कोरस्पॉन्डिंग आपको बिट्स बन। यानी अगर आप नोट करें कि आपका जो कैरी सी है वो 1 कब हो रहा है, वो 1 तब हो रहा है जब आपका सम 9 से बढ़ गया है, बी सी डी सम आपका 9 से बढ़ गया, तो कैरी आपका यहाँ पे 1 हो गया हुआ है। यानी इसको करेक्शन कहेंगे, यानी बी सी डी करेक्शन होनी शुरू हो गई है। अगर सम 9 से कम है तो देर इज़ नो नीड ऑफ एनी करेक्शन, लेकिन अगर सम 9 से ज़्यादा है तो आपको उसमें करेक्शन करनी है। और आपने कहाँ तक जाना है, आपने दो नंबर्स के लिए 19 तक जाना है, टेबल बनाना है, यानी 19 तक आपका टेबल बनेगा क्योंकि आपकी वैल्यू क्या बनेगी, 9 प्लस 9 प्लस 1। अच्छा, अब इसमें जो है इसको फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसमें इक्वेशन हम देखते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, सी की इक्वेशन हम बनाते हैं। तो सी की इक्वेशन आप के मैप से भी निकाल सकते हैं, जो कि के प्लस जेड 8 इंटू जेड 4 प्लस जेड 8 इंटू जेड 2, यानी ये आपकी जो है सी की इक्वेशन जो है अगर आप बनाएं इन टर्म्स ऑफ जेड 8 जेड 4 जेड 8 जेड 2, यानी ये आपकी इनपुट्स होंगी, ठीक है, और इस सारी की सारी 5 इनपुट्स होंगी और एक आउटपुट होगी। तो आपकी इक्वेशन आती है कि सी इज इक्वल टू के प्लस जेड 8 जेड 4 प्लस जेड 8 इंटू जेड 2, यानी कितने एंड गेट हैं, दो एंड गेट हैं और एक आपका और गेट लगेगा इसके अंदर। तो इसका हम सर्किट अभी देखते हैं। तो दिस इज़ योर, आप देखें कि आपका जो 4 बिट बाइनरी एडर है, कैरी इन, ठीक है, ऑग एंड और एड एंड, एड एंड जिसमें नंबर ऑग एंड ऐड हो रहा है, इन दोनों को सम किया, उसके सम के नतीजे में एक कैरी के है और जेड 1 जेड 2 जेड 4 जेड 8 आपकी आउटपुट आ गई। अच्छा, अब ये फर्दर आप एक और एडर लगा रहे हैं जिसकी इनपुट बन रही है, पहले ना पहले इनपुट आपकी ये जेड 1 जेड 2 जेड 4 जेड 8 बन गई। अच्छा, अब दूसरा नंबर आएगा वो कैसे आपका नंबर आएगा, उसमें आप क्या करेंगे कि पहले और चौथे को जीरो दे दें और सेंटर वाले जो टू है उनको, ये जो इक्वेशन थी इससे पहले सी इज इक्वल टू के प्लस जेड 8 जेड 4 जेड 8 जेड 2, इसको अब आप इम्प्लीमेंट कर लें, यानी के प्लस जेड 8 जेड 4 प्लस जेड 8 जेड 2, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी कैरी सी की। उस कैरी को आप यूज़ करें इनपुट के लिए यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपका सर्किट एक यूनिवर्सल सर्किट बन जाए, एक जनरल सर्किट बन जाए। हमें एक लिमिटेड सर्किट नहीं बनाना, हमें एक जनरल सर्किट बनाना है जो कि हर कंडीशन में चलेगा। अब होगा क्या कि अगर इन दोनों का सम 9 से बढ़ जाएगा तो 9 से बढ़ने जैसे ही बढ़ेगा, जैसे 10 हो जाता है तो 10 के केस में ये आपका 1 हो जाएगा आउटपुट कैरी यहाँ पे, तो 1 इधर आ जाएगा, तो 0110 यानी 6 इसके अंदर एड अप हो गए, आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा बी सी डी एडिशन का S1 S2 S4 और S8। अच्छा, अगर आपका सम एग्जाम्पल है कि अगर वो 9 है या 9 से कम है फॉर एग्जाम्पल, तो उस सूरत में आपका कैरी जीरो रहेगा, जब ये जीरो रहेगा तो इसके अंदर जीरो ऐड हो जाएगा, और एनीथिंग एडेड विद जीरो इज सेम थिंग, यानी आप उस केस में आपका S1 Z1 के बराबर होगा, S2 Z2 के, S4 Z4 के, S8 Z8 के बराबर होगा। यानी इस तरह से हमने एक सर्किट डिज़ाइन किया बी सी डी एडेड का, एक जनरल सर्किट हमने बी सी डी एडेड का डिज़ाइन कर लिया। सो दिस इज़ दी बी सी डी एडेड सर्किट।
अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने डिकोडर्स को नैंड गेट के साथ अगर इम्प्लीमेंट करना हो, तो सम डिकोडर्स आर कंस्ट्रक्टेड विद नैंड गेट्स, सिंस अ नैंड गेट प्रोड्यूसेस द एंड गेट ऑपरेशन विद एन इन्वर्टेड आउटपुट, इट बिकम्स मोर इकोनॉमिकल टू जनरेट द डिकोडर मिन टर्म्स इन देयर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। तो अब हम इसको फर्दर मोर डिकोडर्स इंक्लूड वन और मोर इनेबल इनपुट्स टू कंट्रोल द सर्किट ऑपरेशन, द डिकोडर इज इनेबल व्हेन ई इज इक्वल टू 0। डिकोडर में हमें पता है कि ई की जो है ई को आपने 0 रखना है तो आपका डिकोडर उस पर वर्किंग करेगा। अच्छा, अब हम देखते हैं 2 to 4 लाइन डिकोडर विद नैंड गेट, नैंड गेट के साथ इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये इसका ट्रुथ टेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका इनेबल 1 है, ठीक है, तो उस सूरत में आपके ए और बी जो है वी डोंट केयर अबाउट दिस, तो उस सूरत में डी नॉट, D1 D2 D3 आपके सारे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ई को हम एज अ 1 और 0 यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें आप देखें कि जब 0 0 0 हो गई, यानी आपकी तीनों इनपुट 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 1 मिलेगा, और जब यहाँ हमें 1 मिलेगा तीनों इनपुट्स पे, तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, हमें आउटपुट पे 0 मिलेगा। इस तरीके से आपका जो है D1 है, D1 पे आपको जो है इस कॉम्बिनेशन के ऊपर 0 मिलेगा, D2 पे 0। मतलब एक जो एक्चुअल डिकोडर था वो इससे उलट था, ऑपोजिट था। वाई? बिकॉज हमने नैंड गेट से इम्प्लीमेंट नहीं किया था, इसको हमने नैंड गेट से इम्प्लीमेंट किया है, इसलिए आपके पास जो ट्रुथ टेबल जो है बिल्कुल उसके ऑपोजिट आ रहा है। और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमने पहले से पढ़ा है कि नैंड गेट्स यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, इनसे हम जो है कोई भी सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर नैंड गेट को यूज़ करते हुए आपने 2 to 1 डिकोडर बनाना है, सॉरी 2 to 4 लाइन डिकोडर बनाना है, तो आप इस तरह से जो है उसको डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट इज फाइनल सर्किट हमारा क्या है, फुल एडर विद डिकोडर। हमें पता है कि फुल एडर जो है उसके पहले आप ट्रुथ टेबल बनाने हैं। फुल एडर में क्या होता है, 3 इनपुट्स होती हैं आपके पास, ए बी और कैरी इन। ठीक है, आप एक्स को आप कैरी कर रहे हैं और वाई जेड आपका बिट हो जाएंगे। 0+0 0, 0+0+0 इज 0, कैरी 0, 0+0 1, सम 1, कैरी 0। ठीक है, फिर आगे सम 1 कैरी 0, फिर नेक्स्ट इज सम 0 कैरी 1। ठीक है, और जब ऑल 1 हो जाएंगे तो आपके सम भी 1 कैरी 1। ये हम बड़ी डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो इसकी इक्वेजन आप बनानी है, एस इज इक्वल टू समेशन 1 2 4 7, एंड कैरी की इक्वेजन आ जाएगी 3 5 6 7। तो इस तरह से आपका सम जो है इसके साथ आप एक डिकोडर पहले बनाए, 3 to 8 का डिकोडर, 3 to 3 x 8 का डिकोडर। ठीक है, तो इसमें आप जो है 1 2 4 और 7, 1 2 4 और 7, ये वाली जो आपकी मिन टर्म्स हैं ये सम हो जाएंगी। ठीक है, और कैरी के लिए 3 5 6 7, 3 5 6 एंड 7, ये आपकी इनपुट्स सम हो जाएंगी। तो इस तरह से आप जो है किसी भी कोई एक फुल एडर को, हमने देखा कि फुल एडर को अगर हमें डिकोडर से बनाना पड़े, हम कैसे बनाएंगे। इनफैक्ट हम कोई भी बूलियन फंक्शन जो है इस डिकोडर से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये हम ऑलरेडी इससे पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सर्किट था, तो इस वजह से मैंने इसको दोबारा से यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो हैं, दैट वाज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। सो इसके बाद नेक्स्ट हमारे सिक्वेंशियल सर्किट्स स्टार्ट हो जाएंगे। DLD के अंदर 2 इंपॉर्टेंट सर्किट्स होते हैं, कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल। तो कॉम्बिनेशनल में क्या होता है कि आपको पास्ट इनपुट या पास्ट आपको मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती, पास्ट इनपुट या मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती, यू गिव इनपुट एंड यू गेट आउटपुट। जबकि जो आपके सिक्वेंशियल सर्किट्स होंगे उनके अंदर यू विल बी नीडिंग योर पास्ट इनपुट। सो दैट वाज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।